क्या होता है जब डिवाइन फेमिनाइन की दृष्टि किसी पे पड़ती है, वो जो है अनकंडीशनली किसी को जो है, तो क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन अनकंडीशनली किसी को हेल्प करती है, तो उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ता है जब वो उसकी गाइडेंस को लेते हैं। मेरे पास एक मेरी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मेरे पास सेशन बुक किया था, और फिर मैंने उनकी कुंडली देखी तो वही चंद्र के साथ केतु, फिर राहु की महादशा भी, तो सब कुछ बिगड़ा हुआ था। और ये बेचारी मतलब इतनी अच्छी थी, वो बड़ी सैलरी पे नौकरी भी करती थी, सब भी करती थी, लेकिन इनके दिमाग में जो है मतलब डेविल एनर्जीज ने इतनी माया क्रिएट करके रखी थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुमको मेंटल प्रॉब्लम्स है, और वो ने कहा कि हाँ सच है, मेरा कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और बहुत परेशान थी पूरी फैमिली, ये मैरिड थी, बच्चे थे, और इनकी माँ बहुत परेशान हो चुकी थी, हस्बैंड बहुत परेशान हो चुके थे, तो इनको ट्विन फ्लेम जर्नी का भी लग रहा था। तो मैंने उनको कहा कि देखो ट्विन फ्लेम जर्नी का हम सबसे बाद में देखेंगे, सबसे पहले तुमको जो है नॉर्मल होना है, और ऐसे तुम गोलियां खाकर जीती रहोगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में आएंगी और तुम कभी भी फिर नॉर्मल नहीं हो पाओगी। तो सबसे पहले जो है तुमको मुझे फॉलो करना चाहिए, रेकी सीखना चाहिए, और जो है ठीक होना चाहिए, हीलिंग की तुमको सबसे पहले ज़रूरत है, तुम पहले वो करवा लो। लेकिन बाद में वो बहुत प्रॉब्लम में आ गई, उनका प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो गया, मम्मी पापा उनके परेशान हो गए, पूरी फैमिली परेशान हो गई, उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, फ़ोन से उनको दूर रखा गया। फिर कुछ दिनों बाद मुझे जब उनकी याद आई और मुझे अंदर से इंट्यूशन हुआ कि इनकी लाइफ जो है बर्बाद हो रही है, अगर ये मेंटल प्रॉब्लम से बाहर आती है तो इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो सकती है, तो इसमें रेकी ही इनकी मदद कर सकती है, रेकी का हीलिंग हैंड ही इनकी मदद कर सकता है। रेकी एक दैवी ऊर्जा है जो डायरेक्ट स्वर्ग से आती है, और मैं इनके लिटरली पीछे पड़ गई। इनके मम्मी ने मुझे डांटा, बहुत डांटा इनकी मम्मी ने, फिर भी मैंने उनकी डांट खाई और उनको फिर भी समझाया बेशर्मों की तरह, वरना कोई और होता तो शायद भाग जाता, बट मुझे अंदर से एक पीड़ा हो रही थी, तकलीफ़ हो रही थी, एक एम्पैथ को जो है वो महसूस होती है पीड़ा किसी की, कि भाई इसको जो है जो तकलीफ़ हो रही है वो इस तकलीफ़ से बाहर आए, तो मुझे और भी मेरे स्टूडेंट थे उनको मस्का मार सकती थी मैं, बट नहीं, मैं इनके पास गई और इनको कहा। देखो मैं चाहती थी तो उसी वक्त इनको फ्री में भी सिखा सकती थी, लेकिन फिर वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता, फ्री में सिखाए तो वो साधना भी नहीं करते लोग, वो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। और जिनको 250 रुपये में सिखाया भाई, उनसे क्या रिस्पेक्ट मिली वो भी देखा मैंने, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं तुमको मतलब उनकी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको, फिर जैसे तैसे उन्होंने 1000 रुपये पे किया, मैंने उनको कहा कि आप दोनों जो है एक साथ कर लीजिए, फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री। तो उन्होंने कहा मैम मेरे हस्बैंड जो है इस वक्त फ़िलहाल मुझे पैसे नहीं देते, तो मैंने उनको कहा कि आपके पास जब भी पैसे आए आप तब पे कर देना, लेकिन मैं मतलब उधार में ही कह लीजिए, मैंने उनको सिखाया। फर्स्ट डिग्री की पेमेंट उस टाइम उन्होंने कर रखी थी जो भी थी, और सेकंड डिग्री मैंने उनको, क्योंकि मुझे पता था सेकंड पावरफुल होती है और इनको अच्छी हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनको सेकंड डिग्री सिखा दिया 1 रुपये लिए बिना। और क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सिर्फ कमाना नहीं चाहती थी दोस्तों, मैं चाहती थी कि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी सके, अपने बच्चों को देख सके, अपने फैमिली को सुख दे सके, खुद जीवन में आगे बढ़ सके। और मैंने उनको ये भी समझाया कि आप रेकी में करियर भी कर सकते हो, क्योंकि इनका जो इनको हीलिंग की जीवन भर ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कुंडली में दोष मैंने इनके देखे उस हिसाब से डेविल एनर्जी इनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि इनको ट्विन फ्लेम जर्नी ने मतलब जैसे क्या बताया अभी, जैसे
तो मैंने उनको उस वक्त कहा कि फ़िलहाल आपको सोचना ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आप ठीक कैसे हो जाओगे। तो उन्होंने, उनको ठीक लगा और बहुत, मतलब मैं कहती हूँ ना, मैंने बहुत टाइम लगाया इनको समझाने में, गाइड किया, तब इनको थोड़ा एहसास हुआ। और फाल्स ट्विन जो भी थे उनको मैंने सबसे पहले इनकी लाइफ से माइनस किया, निकाल कर फेंक दिया, उनको समझाया कि ये आपके झूठे ट्विन हैं, ये आपके सच्चे ट्विन नहीं है। तो उन्होंने उस चीज़ को माइनस कर दिया लाइफ से। और काफ़ी, जब इन्होंने अपने फॉल्स ट्विन को माइनस कर दिया, निकाल कर फेंक दिया, और इनकी जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो इसके लिए उन्होंने कोई सेशन मेरे पास उस टाइम पे बुक नहीं करवाया। मैं खुद पीछे पढ़कर उनको समझाती रही और उनको वो बात समझ में आई। जैसे ही उन्होंने अपने फॉल्स ट्विन को निकाल कर फेंका, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो इनकी कुछ बातें सुनिए आप, और इनकी मम्मी ने मुझे कैसे सुनाया था वो भी देखिए आप। तो सुनिए इनकी मदर ने मुझे कैसे सुनाया था। हेलो, ये ट्विन फ्लेम क्या होता है आप मुझे सच सच बताएं, क्योंकि हमारी बेटी बहुत परेशान है और हम ये जानना चाहते हैं क्या ये सब सच है। सच है तो आप लोग ये मतलब यूट्यूब पे बिजनेस क्यों कर रहे हो? यदि आप परेशान थे तो आप लोगों की मदद करो ना। मैं बिजनेस वगैरह नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं रेकी सिखाती हूँ, जिससे शारीरिक मानसिक आजार जो होते हैं, बीमारियाँ जो होती है दूर होती है। वैसे मैंने आपकी बेटी को भी उसके बारे में बताया है कि बहुत कम ट्विन फ्लेम्स होते हैं, बट क्योंकि वो इस हालत में नहीं है कि वो उस बात को समझे। और ये बहुत ही मतलब हाईली स्पिरिचुअल जो जैसे होते हैं लोग, उनके साथ ये होता है। और आपकी बेटी की कुंडली देखी मैंने और उसको कुछ उपाय भी बताए कि वो नामस्मरण वगैरह करे। और ये बिजनेस नहीं है रेकी वगैरह, रेकी ध्यान मेडिटेशन सिखाया जाता है कि जो ऐसे डार्क नाइट ऑफ सोल मतलब डिप्रेशन में आए हैं, कुछ मानसिक तनाव बीमारियां उससे जो है ठीक होता है। तो आपकी बेटी के लिए ही मैंने, क्योंकि उसकी अवस्था देखी मैंने और इसीलिए मैंने उसको ये बताया कि आप सीखो, आप उससे जो है ठीक हो सकते हो। तो कृपा करके इसको बिजनेस वगैरह ना समझे, हमको मतलब हम कोई ऐसी चीज़ बेचकर किसी को फंसाना, उल्टा आप मेरे सारे वीडियोस देखो, मैं उसमें अवेयरनेस लाती हूँ, लोगों को बताती हूँ कि सब लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, आप इस चक्कर में मत फंसो। माँ बाप के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि अपने बच्चों को समझो, आप सब ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, उल्टा लोग फंसा रहे हैं, आप जो हो बच्चों को ऐसे चीज़ों में मत फंसने दो। लेकिन आपकी बेटी को थोड़ा सा जो उसने मुझे बताया था कि ट्रीटमेंट शुरू है, इसीलिए मैंने उसको बताया है कि आप रेकी सीखो, उससे आप ठीक हो जाओगे। मैंने उनकी माँ को एक वीडियो भी भेजा था, वो भी देखिए टाइटल आप, बी अवेयर पेरेंट्स, बचा लो अपने बच्चों को। तो देखा दोस्तों किस तरह से जो है लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए कितने लोगों को पागल बना रहे हैं ट्विन फ्लेम के नाम पर। और जो एक सही काम कर रहा है, इनको ऐसे पागलपन से बाहर निकाल रहा है, उसको जो है खुद ही बोला जा रहा है कि आप लो वाइब्रेशन में हो, इनका तो फैमिली स्टेटस ऐसा है, जब फैमिली ही ऐसी होगी तो ये कैसी होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ब्लेमिंग की एनर्जी, ब्लैक बटरफ्लाइज आई है, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें। और सबको जो एक मान लीजिए 18,000 लोगों को जो है तोड़ कर रख दिया है मेरे चैनल से, पर जबकि मेरा चैनल एक एम्पैथ का चैनल है जो मनी माइंडेड नहीं है। मनी की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे है, क्योंकि हेल्थ वाइज मैं बहुत डाउन हूँ। तो जब आपकी हेल्थ डाउन है, आपकी हेल्प के लिए कोई नहीं है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास एटलीस्ट पैसे तो हो। तो पैसे की ज़रूरत है मुझे, इसलिए रेकी के चार्जेस मैंने जो है नॉर्मल किए हैं। मैं तो चाहती थी कि 250 रुपये में लोग सीखे, रोज़ 10-12 लोगों का अटूनमेंट करूँ,
पूरी दुनिया को जो है साधना में लगाऊं। फिर मैंने देखा कि मेरी शारीरिक शक्ति तो काम करे ना उतना, तो मैंने अपने शक्ति के हिसाब से सिखाना शुरू किया। और एक चीज़ ऑब्ज़र्व भी की है मैंने अपने लाइफ में, जो ज़्यादा पैसे डाल के सीखते हैं वो बराबर उससे उतना बेनिफिट निकालते हैं भाई। जिनको फ्री में मिली उनको कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं, क्योंकि फ्री में मिली है इसलिए उनको कीमत नहीं रहती। अब देखिए कि वो क्या कह रही है जो ठीक होकर आई है। ओके, आफ्टर रेकी चेंजेस आई एम रिलैक्स्ड सो मच डे बाय डे, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय लाइफ। उसमें मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि जल्दी पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैंने उनको बोला था आप जब हो सके तब कर लीजिए, लेकिन आप ठीक हो जाइए। तो वो बात मैंने उनको कही थी। और सेकंड का जो है मैंने उनको उस टाइम पे बिना एक रुपए लिए भी सेकंड डिग्री सिखा दी थी। और अब जो है वो ठीक हो चुकी है, आप उनकी आवाज़ में सुनिए। मैंने मैम से जब बात की थी तो उस टाइम मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी और बिल्कुल डिप्रेस थी, लेकिन फिर उसके बाद मैम ने मुझे सजेस्ट किया और मैं को लगता था मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ ये तो सच है, लेकिन मैम ने जो मुझे सजेस्ट किया, गाइडेंस दिया, वो बहुत मतलब मेरे लिए हेल्पफुल रहा। मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं उसमें यूट्यूब में, पर इनसे बात करके मुझे एक अलग ही फील हुआ कि हाँ मतलब ये सही कह रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले यूँ कहा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को तो भूल जाओ, तो मुझे ये सबसे अच्छा बेस्ट पार्ट लगा, मैं उस चीज़ को भूल गई हूँ। हाँ मैं हूँ इस जर्नी में, पर मैं अभी उस चीज़ को साइड रख दिया, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं होंगी मैं उस ट्विन फ्लेम जर्नी का करूँगी क्या, मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप रेकी करो, और मेरे पास रेकी के लिए पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने जो भी मेरे पास फर्स्ट लेवल का सिर्फ पेमेंट था, पर उन्होंने फिर भी मुझे रेकी सेकंड लेवल की तक की करवा दी है, और पेमेंट भी उन्होंने कहा कि आप धीरे धीरे दे देना। तो बेस्ट पार्ट है कि कोई आपकी हेल्प कर रहा है ना, आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा है ना, तो ये बेस्ट पार्ट है जो मुझे इन मैम में दिखा, बेस्ट पार्ट। और सबसे खास बात है कि मैं ठीक हुई। डिप्रेशन, मेरे जो फैमिली हैं वो डिप्रेशन की दवाइयां दिलवा रहे थे मुझे, डॉक्टर के पास ले गए, रिपोर्ट्स वगैरह कराए, जाने कितना पैसा वेस्ट हुआ, लेकिन वो मुझे हीलिंग के लिए पेमेंट नहीं कर रहे, उनको लगता है ये सब बेकार चीज़ें हैं, पर इन मैम ने मेरी बहुत हेल्प की है, मतलब दिल से थैंक यू है। क्योंकि मैंने जब से रेकी स्टार्ट किया ना, मेरे फेस पे भी काफ़ी चेंजेस आया है और अंदर से भी चेंजेस आया। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कुछ भी करती, लेकिन वही है ना कि ये मिले ही नहीं पहले, ये मैम मुझे मिली ही नहीं पहले। अगर ये मैम पहले मिल जाती तो शायद मैं पहले ही ठीक हो जाती। और बेस्ट पार्ट है कि उन्होंने ट्विन फ्लेम के लिए कोई गलत फहमी दिमाग में नहीं डाली, सबसे अच्छी बात है। वो मतलब सबको आगाह करती हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी को ऐसे मत लो, बाकी ट्विन फ्लेम जर्नी भूलने की जर्नी है कि आप भूल जाओगे ना तभी आपकी हर चीज ठीक होगी, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ ये तो मुझे पता है। पर ठीक है, आपने मुझे ठीक करना है ना पहले, तो मुझे खुद को ठीक करना है ना, तो मैंने खुद को ठीक कर लिया है काफी हद तक, और मैं और आगे भी मैम से लेवल की रेकी सीखती रहूंगी, हीलिंग लेती रहूंगी। जो मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप ये मत देखो कौन कितना पॉपुलर है, आप ये देखो कि कौन आपको सही गाइडेंस दे रहा है, और सही गाइडेंस आपको जो कम पॉपुलर होगा ना वो ही देगा, जो ऑलरेडी पॉपुलर है ना वो आपको नहीं देगा। और पैसे भी उनके कोई हाई चार्जेस भी नहीं है, बहुत रीजनेबल चार्जेस हैं, हम कर सकते हैं। तो मैं यही गाइडेंस करूंगी सबको कि आप मैम से गाइडेंस लो, उनकी बातों को फॉलो करो, तो बाकी चेंजेस आते हैं, बाकी फिर आपके ऊपर डिपेंड है आप किसकी बात मानते हो, लेकिन मेरी लाइफ तो चेंज हुई है। तो दिल से थैंक यू सो मच। और मैं तो मैम से मतलब जब मैम ने रेकी का कहा और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो फिर भी मैम खुद मुझे मैसेज करती थी आगे रह के कि आप रेकी करो, आपको हीलिंग की जरूरत है, आप रेकी करो आपकी हीलिंग। उन्होंने मेरी कुंडली भी चेक करी थी, तो कुंडली में भी उन्होंने बताया था बहुत सी चीज़ें कि मानसिक रहेगा, ये कुंडली का भी चेक करके उन्होंने बताया था, और वो बहुत पीछे पड़े थे कि आप रेकी करो आप रेकी करो। और उसके बाद क्या है कि वो जब बार बार उन्होंने रेकी के लिए बोला, तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे एक मैम है वो रेकी, तो
जब मेरी मम्मी ने उनसे बात की तो फिर उनको डांटने लग गई और थोड़े गलत उससे बात करने लग गई, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि ये सब बिजनेस के लिए करते हैं, ये सब पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो उनको लगा कि ये भी मेरी बेटी को मतलब पैसे के लिए कर रही है और पैसे लेने हैं इनको, इसलिए ऐसे बोल रही। तो उन्होंने मैम को काफी कुछ मतलब ऐसे बोल दिया, पर मैम ने उनको बहुत अच्छे से डील करा, उनको समझाया, उनको समझाने के बाद उन्होंने अच्छे से डील करा। और पर मेरी फैमिली तो नहीं मानी, पर हाँ थोड़ा बहुत उनके समझ में आया था मम्मी के, पर ज्यादा नहीं समझ में आया। लेकिन हाँ मैम ने अपनी तरफ से 100% दिया था समझाने के लिए, पर मेरी फैमिली समझना ही नहीं चाहती इस बारे में। उनके दिमाग में पता नहीं क्या है या कार्मिक सिचुएशन है मेरी, जो वो नहीं मानना चाहते इस चीज को। लेकिन हाँ मैम का बहुत सपोर्ट है कि वो मुझे मतलब खुद से मुझे सपोर्ट करा, उन्होंने खुद से आगे रह के मुझे मैसेज किए बार बार कि आप हीलिंग की बहुत जरूरत है, आप रेकी करो। अगर वो इतना आगे रह के नहीं कहते तो शायद मेरे माइंड में इतना नहीं आता, मैं नहीं ऐसा सोचती। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे मनी प्रॉब्लम इशू को भी सॉल्व किया कि आपके पास जितने आप उतने से स्टार्ट करो, आपके पास जब हो तब आप दे देना। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, जब मेरे पास होंगे मैं धीरे धीरे पेमेंट कर दूंगी, अभी जो मेरे पास है चलो मैं वो करके स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मतलब उन्होंने दोनों लेवल के करवा दिए और मैं आगे भी करूंगी। तो मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी कि मेरे लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान आया जिसने मुझे सही वे में, नहीं तो मैं अब डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल गुजर रही थी, टावर मोमेंट आ रहे थे। तो अभी भी रहे हैं, वही ऑब्स्टिकल है, वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं उनसे फाइट कर पा रही हूँ। अब मैं उतना परेशान नहीं हो रही जैसे मैं पहले रोने लग जाती थी, पागल जैसी सिचुएशन हो जाती थी। तो रेकी करने के बाद ना मुझे वो सब चीजों में रिलैक्स मिल रहा है, माइंड रिलैक्स हो रहा है। हो तो वही रहा है, लाइफ वही है, वही लोग हैं आसपास, पर कहीं ना कहीं मैं डील कर पा रही हूँ। तो ये सपोर्ट बहुत है। और फैमिली को भी समझाना एक बहुत बड़ी मतलब वो होती है, उन्होंने मैम ने समझाया। और अब मेरे हस्बैंड को भी मैं सोच रही हूँ, वो भी नहीं मान रहे हैं क्योंकि मुझे मैम को पेमेंट करना है और आगे और सीखना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैम एक बार मेरे शायद हस्बैंड को भी समझाएं तो वो समझ जाएं। पर जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं उनसे बात कराऊंगी। तो मतलब एंजल कोई ऊपर से नहीं आते, मुझे ऐसा लगता है एंजल इस दुनिया में ही हमारे तुम्हारे रूप में ही होते हैं, हम इंसानों के रूप में होते हैं। जो आपकी हेल्प कर दे वही एंजल है आपके लिए। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, रियल डिवाइन फेमिनाइन में और फेक डिवाइन फेमिनाइन में कितना डिस्टेंस होता है, कितना फर्क होता है। एक रियल डिवाइन फेमिनाइन अपना हीलिंग हैंड लेकर मदद के लिए आती है, वो मुसीबत में पड़े इंसानों की मदद करती है। लेकिन सबको सिर्फ पैसा ही दिखता है। मुझे बताइए, अगर मैंने 3D में जन्म लिया है तो क्या मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है? तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मैं 3D में जी रही हूँ। और 3D से डील करते टाइम जब आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आप अकेले हो, अकेले जीवन से फाइट कर रहे हो, ऐसे में आपको पैसों की ज़रूरत है। तो मैं बाकी डिवाइन फेमिनाइन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये करियर बहुत अच्छा है, ज्योतिष और रेकी हीलिंग का, जितने भी हीलिंग के पार्ट्स है वो सीख सकती है, लोगों की मदद कर सकती है। तो कितना सुकून मिलता है किसी की दुआओं से। तो दुआओं का इम्पोर्टेंस जो होता है रियल डिवाइन फेमिनाइन को ही होता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे पावर कपल के नाम पर सिर्फ पागल बना रहे लोगों को। इसमें एक एग्जांपल देखिए किस तरह से इनको पागल कर दिया था ट्विन फ्लेम के नाम पर, बट अब जो है ये ठीक हो गई है। तो किस तरह एक डेविल फेमिनाइन ने पागल किया और रियल डिवाइन फेमिनाइन इनकी लाइफ में आई, उन्होंने अपने हीलिंग हैंड दिए और इनकी मदद की, और आज ये जो है कम्प्लीटली ऑल राइट हो गई है। इनको अब किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे हो, कोई भी ट्रीटमेंट इनको अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो रेकी से फिज़िकल मेंटल सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं, आप इसमें करियर भी कर सकते हो। और देखा हमारे चैनल का क्या पर्पज़ है, तो क्योंकि पर्पज़ अच्छा है तभी डेविल्स ने समझ लिया कि ये आएगी तो यंग जनरेशन को सही राह दिखाएगी। तो इससे पहले कि ये सब तक पहुँचे, इसके पैर यहीं पे काट दो। हमारे चैनल को इसलिए बदनाम कर दिया गया। क्यों ये रेकी से इतना डरती है? क्योंकि रेकी अगर लाइफ में आ गई तो मेंटल प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, इल्यूजन ठीक हो जाएंगे, आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा,
तो इनको बहुत डर रहता है कि इनकी असलियत सामने आ जाएगी, तो इसीलिए ये रेकी से डरती है और आपको बताती है कि रेकी ना सीखे, ज्योतिष ना सीखे। तो ये है रेकी का इम्पोर्टेंस, ज्योतिष का इम्पोर्टेंस और रियल डिवाइन फेमिनाइन का इम्पोर्टेंस। ओके दोस्तों।